नेक्स्ट हम थियरटिकल लीड और प्रैक्टिकल लीड के नुमारिकल सॉल्व कर रहे हैं ठीक है एग्जाम्पल वन पॉइंट वन सेवन है पेज नंबर सिक्सटीन पर यह सवाल मौजूद है यहाँ पर मैंने सवाल नहीं लिखा है ठीक है सिर्फ रिएक्शन लिखा है इसको जो क्वेश्चन है वो हम पढ़ लेते हैं देखो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है ठीक है सवाल में क्या लिखा है द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज गिवन ठीक है कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो रिएक्शन है वो हमें गिवन है इसमें हो क्या रहा है एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है जिसमें फिफ्टी ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक है एसिड से कितना फिफ्टी ग्राम ये हमारे पास इसका मास आ गया फिफ्टी ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और क्या बन रहा है फोर्टीन पॉइंट फाइव टू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लिब्रेटेड और उस एक्सपेरिमेंट में ये बात ध्यान से पढ़ना है उस एक्सपेरिमेंट में 14.2552 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है एक्सपेरिमेंट हो रहा है ठीक है एक्सपेरिमेंट में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं थेटिकल या फिर प्रैक्टिकल यील्ड प्रैक्टिकल ही ठीक है तो यहाँ पर जो हमें मास गिवन है ना कार्बन डाइऑक्साइड का ये क्या है प्रैक्टिकल हील्ड है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट के दौरान बन रहा है ये बात समझ में आ गई नेक्स्ट हमने क्या कैलकुलेट करना है थेटिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड का ठीक है अब हम थियटिकल यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी तक हम प्रोडक्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हुए आए हैं इन मास मास रिलेशनशिप और इन लिमिटिंग रिएक्टेंट बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम पहले मोल्स निकालते हैं फिर मोल से हम रिलेशनशिप बनाते हैं फिर हम उस मोल्स को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं ठीक है तो वही कम हमने यहाँ पर भी करना है तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन हमें गिवन है मास कैल्शियम कार्बोनेट का हम क्या कर लेंगे इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मास कितना है मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलिकुलर मास मास कितना है 50 ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है 100 ग्राम ठीक है हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो पॉइंट फाइव मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ गया जीरो पॉइंट फाइव अच्छा अब अगर हम देखें तो एक मोल कैल्शियम कार्बोनेट एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे ये बात हमें समझ में आ गई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख कर ये बात हमने पता कर ली है ठीक है अब हम क्या लिखेंगे नाउ वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गीव ठीक है वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने कितने का निकालना है जीरो पॉइंट फाइव तो हम क्या लिखेंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट उसी तरह से लिखेंगे गीव जीरो पॉइंट फाइव मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मोल्स भी आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के कितने आए जीरो पॉइंट फाइव नाओ अब हमने क्या करना है हमने मास निकालना है ना थ्रीटिकली बेसिकली है क्या मास ही तो है अमाउंट है प्रोडक्ट का ना मास इन ग्राम्स होगा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है मास इसी फॉर्मूले को अरेंज कर लेते हैं मोल्स इनटू मोलिकुलर मास मोल्स क्या है जीरो पॉइंट फाइव कितना होता है इसका फोर्टी फोर ग्राम इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या ट्वेंटी टू ग्राम ठीक है हाफ होता है ना जीरो पॉइंट फाइव वन पॉइंट टू मतलब तो जब इसको कैलकुलेट करोगे ट्वेंटी टू ग्राम ये हमारे पास आ गया मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा यहाँ पर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ना लिखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे थ्रेटिकल ही ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अब हमने क्या कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया इसका सेकेंड हमने क्या करना है परसेंटेज यील्ड नाउ हैडिंग डाल दो परसेंटेज हील्ड ठीक है नंबर टू परसेंटेज हील्ड ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका हमारे पास फॉर्मूला जो कि हमने अभी देखा क्या होता है परसेंटेज ईल्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल हील्ड डिवाइड बाय थर्टिकल हील्ड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास गिवन थी फोर्टीन पॉइंट फाइव टू यहाँ पर भी देख सकते हो कि जो प्रैक्टिकल यील्ड है ये कम है थ्रेटिकल यील्ड से ठीक है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू सिक्सटी सिक्स परसेंट ठीक है तो इस तरह से कुछ भी नहीं करना था इस नुमारिकल में वही काम करना था जो हम पहले से करते हुए आए हैं पहले मोल्स निकालने हैं मोल से हमने फिर रिलेशनशिप बनाना है और फिर जो मोल्स प्रोडक्ट के आएंगे उसको मास में कन्वर्ट करना है और यही मास क्या कहलाएगा थ्रिटिकल यील्ड क्योंकि ये हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं ठीक है परसेंटेज यील्ड में क्या करना है सिंपल फार्मूला है उसमें हमने अपनी वैल्यूज़ रखनी है और परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी ठीक नेक्स्ट नुमकल हम कर रहे हैं एक्सरसाइज से ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री है इसमें हमें क्या गिवन है इसमें हमें यह कहा जा रहा है कि जो अल्मोनियम क्लोराइड है वो यूज़ हो रहा है रबर मैन्युफैक्चरिंग में ठीक है अब एलमोनियम क्लोराइड बन कैसे रहा है एलुमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और क्या बन रहा है एलुमिनियम क्लोराइड ठीक है अब सवाल में हमें ये बात गिवन है कि वन वन सिक्सटी ग्राम ऑफ एलुमीनियम ऑफ एलोनीम वन सिक्सटी ग्राम ठीक है एलुनियम कितना है हमारे पास वन सिक्सटी ग्राम ये इसका मास आ गया वन सिक्सटी ग्राम अलमोनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और क्या बन रहा है एलमुनियम क्लोराइड 650 ग्राम ऑफ एलमुनियम क्लोराइड ये एक एक्सपेरिमेंट के नतीजे में बन रहा है मतलब ये क्या है प्रैक्टिकल यील्ड है ठीक है कितना है सिक्स ग्राम ये बातें हमने अपने डाटा में लिख ली ठीक है गिवन में क्या लिखा मास ऑफ एलमुनियम और प्रैक्टिकल यील्ड ऑफ एलोनियम क्लोराइड अब हमने निकालना है क्या सवाल में व्हाट इज अ परसेंटेज यील्ड परसेंटेज यील्ड कितनी है हमने ये कैलकुलेट करना है रिक्वायर में हमने ये बात लिख दी नाउ परसेंटेज यील्ड का जब हम फार्मूला लिखेंगे तो इसमें हमें दो चीज़ें चाहिए प्रैक्टिकल यील्ड जो कि हमें सवाल में गिवन है नेक्स्ट है थ्योरेटिकल यील्ड जो कि सवाल में हमें नहीं गिवन तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड यही बात हमने यहाँ पर लिख दी है फर्स्ट वी विल फाइंड थ्योरेटिकल यील्ड नाउ हेडिंग डाल दो ठीक है अब हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करते हैं हमें पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं मास रिएक्टेंट का उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं मोल्स ऑफ एलुमिनियम मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास मास कितना है वन सिक्सटी ग्राम मोलिकुलर मास कितना है ट्वेंटी सेवन ठीक है कितना होता है ट्वेंटी सेवन जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा वन सिक्सटी डिवाइड बाय ट्वेंटी सेवन फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव ठीक है फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव मोल्स नाउ हमने क्या लिखा कि दो मोल एल्यूमिनियम कितना दे रहा है दो मोल एल्यूमिनियम क्लोराइड ठीक है तो वन मोल कितना देगा टू डिवाइड बाई टू हमने कितने का निकालना है फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव नाउ फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम गिव टू डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाई बाय फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव मोल्स ऑफ ए एल सी एल टू सॉरी सी एल थ्री है ठीक है क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सेम आ जाएगा फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव मोल्स ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड मोल्स हमारे पास आ गए नेक्स्ट हम क्या है? करते हैं मोल्स को मास में कन्वर्ट करते हैं नाओ थ्रिटिकल एल्युमिनियम क्लोराइड कितनी होगी मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास ठीक है फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव मोल्स आ गए मोलिकुलर मास कितना होगा एलमुनियम क्लोराइड का नाव हम कैलकुलेट करते हैं थर्टी फाइव पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री क्लोरीन का थर्टी फाइव पॉइंट फाइव कितने आइटम्स है तीन तो हम इसको तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम एलोमियम का मास प्लस करेंगे नाव प्लस ट्वेंटी सेवन कितना आ गया हमारे पास वन थ्री थ्री पॉइंट फाइव ये क्या है मोलिकुलर मास लिख देंगे वन थ्री थ्री पॉइंट फाइव अब हमने क्या करना है इसको मल्टीप्लाई करना है फाइव पॉइंट नाइन टू फाइव से क्या आया सेवन नाइन्टी पॉइंट नाइन एट इसको हम सेवन नाइन्टी वन लिख लेते हैं ठीक है तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड कितना आ गया सेवन नाइन्टी वन ग्राम राउंड ऑफ करके हमने सेवन नाइन वन ग्राम लिख दिया अब हमने क्या करना है थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ गया नेक्स्ट स्टेप में हमने वैल्यूज़ रखनी है और परसेंटेज यील्ड निकालना है नाउ हेडिंग डाल दो परसेंटेज यील्ड ठीक है परसेंटेज यील्ड क्या होता है प्रैक्टिकल यील्ड थर्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थर्टिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कितना था क्वेश्चन में हमें गिवन था सिक्स फिफ्टी ग्राम थियटिकल यील्ड हमारे पास कितना है सेवन नाइन्टी वन यहाँ पर भी देख सकते हो कि थर्टिकल यील्ड ज़्यादा है प्रैक्टिकल यील्ड से ठीक है मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड जब इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आंसर हमारे पास आएगा सिक्स फिफ्टी डिवाइड बाई सेवन नाइन्टी वन इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड एट्टी टू पॉइंट वन सेवन ठीक है तो परसेंटेज हमारे पास कितना आ गया एट्टी टू पॉइंट वन सेवन परसेंटेज ठीक है इसकी यूनिट क्या होगी परसेंट परसेंटेज है ना यहाँ पर हमने अपना एक्सरसाइज को हमारे कल भी सॉल्व कर लिया